ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम लोग कंप्लीट नोड जेएस पढ़ रहे हैं। ठीक है, नोड जेएस में हम लोग एपीआई कैसे बनाते हैं वो हम लोग कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट कर लिए थे, बढ़िया से सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लिया था, हम लोग देख लिए थे मोंगो डीबी कैसे हम लोग सेटअप कर सकते हैं उसमें, मतलब मोंगो डीबी के सर्वर कैसे कनेक्ट करते हैं। जियो आई इंस्टॉल किया था, मोंगो डीबी सर्वर इंस्टॉल किया था, ज़रूर से वो वीडियो देखना ताकि फ्यूचर में जब हम लोग इसके पे काम करो तो ये नहीं बोलो भाई मेरे में मोंगो डीबी नहीं चल रहा है, मेरे में पोस्टमैन नहीं है। ये सारी चीज़ें आपका होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हो कि कुछ और भी मैं इसमें यूज़ करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना यार, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है ताकि हम लोग इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा डीप में जाकर हम लोग समझें। ठीक है, नोड जेएस को जितना डीप में हो सके उतना डीप में जाकर समझेंगे। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे कि आज हमारा पहला प्रोजेक्ट बनाना है। चलो वीएस कोड को ओपन करते हैं और वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक नया फाइल ओपन करूँगा। यहाँ पे हमारे पास अभी फ्लटर की प्रोजेक्ट है लेकिन मैं फाइल पे जाऊँगा और ओपन फोल्डर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं नया फोल्डर ही ओपन करूँगा। यहाँ पे हमारी फ्लटर की कोड नहीं, हमारे पास नोड जेएस की कोई फाइल है क्या? ओके, नोड जेएस की फाइल है। यहाँ पर मैं लिखूँगा यूट्यूब YouTube ट्यूटोरियल, ओके, एंड ये फाइल को हम लोग ओपन करेंगे अपने वीओएस कोड में। अब जितना भी कोडिंग की चीज़ें होगी हम लोग ये इसी के अंदर करेंगे। ठीक है, अभी जितना भी चीज़ें सीखेंगे, अभी आपको लग रहा होगा कि भाई आज से ही हम लोग एपीआई बनाना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं, हम लोग पहले बेसिक समझेंगे। मैंने क्या सोचा कि वैसे बंदे को भी ये जो प्लेलिस्ट है वो समझ में आए जिसको नोड जेएस बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग सारी चीज़ें बनाएंगे। तो हम लोग पहले बेसिक थोड़ा बहुत समझेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ कि हमारा बेसिक, सॉरी, फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का, चलो कोई नहीं, फर्स्ट प्रोजेक्ट ही लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि एक इंडेक्स डॉट जेएस बना लूँगा। ठीक है, अब आप कुछ प्लगइन्स यहाँ पर रिकमेंड करेंगे वो आप डाउनलोड कर लेना, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा प्लगइन आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देख भी सकते हो यार कि मैं कौन से प्लगइन्स यूज़ करता हूँ अपनी डेवलपमेंट में। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए। वैसे तो मुझे कोई नोड जेएस का प्लगइन है नहीं। ठीक है, ओके, तो फाइनली मैं अगर यहाँ पर लिखूँ नोड जेएस, फिर देखते हैं कि कुछ प्लगइन्स आते हैं क्या। मोंगो डी बी एस स्निपेट फॉर नोड जेएस, ओके, ये चीज़ें हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ये ज़रूरी हो सकता है हमारे पास। कुछ प्लगइन्स अगर हम लोग इंस्टॉल करें तो उसमें हम लोग को ईजी रहता है। चलो सिर्फ हम लोग एक ही इंस्टॉल करते हैं, ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या किए कि हमारा जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल हम लोग बना लिए, अब हमको क्या करना है कि एन पी एम इनिट लिखना है। तो सबसे पहले टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल कैसे ओपन करोगे, तो यहाँ पर जाना टर्मिनल में और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना। ठीक है, ओपन हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपनी प्रोजेक्ट वाली फोल्डर में, मैं लिखूँगा सीडी फर्स्ट प्रोजेक्ट और एंटर। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपनी प्रोजेक्ट वाली फोल्डर के अंदर। थोड़ा सा मैं आपको जूम करता हूँ, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, चलो अभी मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, हम लोग को लिखना था एन पी एम इनिट, लेकिन अगर आप एन पी एम लिखोगे तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ, सॉरी आपका मैं एन पी एम रहेगा, सॉरी सॉरी एन पी एम रहेगा, एन पी एम इनिट लिखो तो यहाँ पे एन पी एम आपका आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे लिखा द यूटिलिटी विल बी वॉक यू थ्रू द क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट पैकेज डॉट जे एस एन। ओके, तो हम लोग को बोला गया कि हम लोग एन पी एम इनिट लिख रहे हैं तो हम लोग को एक पैकेज डॉट जेसन बनाना पड़ेगा और उसका क्या नाम रखें। तो पैकेज का नाम क्या है हमारा, पैकेज का नाम मैं ले देता हूँ यूट्यूब नोड जेएस लर्न लिख देते हैं। ठीक है, फिर वर्जन क्या है, वर्जन 1.0.0 हम बाय डिफॉल्ट रखते हैं, एंटर दबाते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या लिखते हैं कि वी आर लर्निंग नोड जेएस एपीआई। ठीक है, हम लोग डिस्क्रिप्शन ये दे दिए। एंट्री पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट मतलब हमारा जो सर्वर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं बोलता हूँ कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडेक्स डॉट जेएस लेता है, मैंने इंडेक्स डॉट जेएस बना दिया,
चलो तो मैं बोलता हूँ कि इंडेक्स डॉट जे एस से यहाँ स्टार्ट करो, यानी जब भी मैं प्रोजेक्ट रन करूँ सबसे पहले हमारा इंडेक्स डॉट जे एस रन होना चाहिए। इंटर टेस्ट कमांड कुछ नहीं भाई, मेरे पास टेस्ट कमांड कुछ नहीं है। गिट रिपोजिटरी भी फिलहाल के लिए हम लोग सेट नहीं कर रहे हैं। कीवर्ड डाल सकते हो नोट जे एस, आप सारी चीज़ें को इम्पोर्टिव भी छोड़ सकते हो। ऑथर कौन है? ऑथर मैं हूँ भाई, ऑब्वियस सी बात है, आप थोड़ी हो। ओके लाइसेंस, लाइसेंस तो कुछ नहीं हमारे पास। अब बोल रहा है कि हम लोग क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, हम लोग नोट जे एस यूट्यूब ट्यूटोरियल फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज डॉट जेसन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा नेम होगा नोट जे एस लर्न, वर्जन ये होगा, डिस्क्रिप्शन नेम मेन हमारा ये होगा, ठीक है, कीवर्ड हमारे पास ये है, ऑथर हमारे पास ये है, लाइसेंस ये है। क्या ये सही है? इज दिस ओके? मैं इंटर दबाऊंगा। ओके तो ये हमारे पास एक पैकेज जेसन क्रिएट करके दे दिया। अब थोड़ा सा मैं जूम कम करता हूँ, ठीक है, टर्मिनल नीचे करता हूँ। अब ये हमारे पास पैकेट डॉट जेसन हमारे पास आ गया। अब ये पैकेट डॉट जेसन क्या करेगा? ये हमारी प्रोजेक्ट को रन करके देगा। जैसे कि इंडेक्स डॉट जेस के अंदर अगर हम लोग लिखें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू फर्स्ट प्रोजेक्ट, ओके, एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, हमारा अगर प्रोजेक्ट को रन करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? देखो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखी है। ये देखो हमारे पास इस तरह से ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, ठीक है। अब हम लोग रन करने के लिए लिखेंगे नोड डॉट इंडेक्स डॉट जेस, इंटर। जैसे ही आप इतना लिख कर इंटर करोगे फिर आपका देखो क्या होगा, हमारे पास ये वाली फाइल रन होना स्टार्ट हो गया। बोला वेलकम टू फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हम लोग इंडेक्स डॉट जेस के अंदर लिखे थे। और ये किसके मदद से रन हो रहा है तो हम लोग थोड़ा सा भी समझते हैं भाई कि पैकेज डॉट जेस ऐसा क्या कर दिया हम लोग को जो हम लोग नोड इंडेक्स डॉट जेसन जेस लिखे वैसे हमारा ये वाला फाइल रन हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखो मेन, मेन के अंदर जो भी फाइल का नाम हम लोग डालेंगे सबसे पहले वही चलेगा, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वर डॉट जेस, एंड अब हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पे सर्वर, ओके, मैंने चेंज कर दिया। अब सर्वर डॉट जेस के अंदर कुछ जाके मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस इज सर्वर डॉट जेस फाइल, ओके। अब हम लोग सिंपली रन करेंगे इसको, एक मिनट, सेव भी आई थिंक करना पड़ेगा हम लोग को, सेव तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। ओके तो हम लोग इंडेक्स डॉट जे एस नहीं रन करेंगे, सॉरी, हम लोग रन करेंगे सर्वर। तो ये हमारा लिखता है कि दिस इज सर्वर डॉट जे एस। अगर मैं एक काम और करूँ, ओके तो हम लोग अलग अलग फाइल को रन करना यहाँ पे सीख गए, ठीक है, कि अलग अलग फाइल को कैसे रन करते हैं। मैंने सारी फाइल को डिलीट कर दिया। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि अगर हम लोग रन करें इसको तो हम लोग को कैसे कैसे क्या चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू वेयर ए इज इक्वल टू 40, ठीक है, वेयर बी इज इक्वल टू 50। बेसिक है यार, कुछ वो नहीं है। और मैं क्या करता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे ए प्लस बी प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अगर ये आप कॉलन नहीं भी लगाओगे तो भी एरर नहीं देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जे एस, इंटर दबाऊँगा तो हमारे पास 100 प्रिंट होके आ गया। तो ये होता है कि हमारा पहला प्रोजेक्ट हम लोग बनाए और वहाँ पे थोड़ा सा सेटअप किया, ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल सा चीज़ था, सिंपल सी वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है। इसमें आप बहुत बढ़िया से समझ सकते हो कि हम लोग आखिरकार कैसा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और कैसे उसको समझते हैं, ठीक है। आगे की वीडियो हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता मैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लग रही है प्लेलिस्ट, ज़रूर से कमेंट करो यार, ताकि मुझे भी पता चले, और कोई भी दिक्कत हो तो तब तो डेफिनेटली कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।